News@4 का इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर बसपा प्रमुख मायावती के पलटवार की। मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के DNA वाले बयान पर निशाना साधा है। दूसरी बड़ी खबर गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में CBI की ताबड़तोड़ छापेमारी की है। तीसरी बड़ी खबर योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी की, जिनके साथ बलिया में बदसलूकी हुई और फिर पूरे परिवार ने ABP गंगा पर अपना दर्द बयां किया। और चौथी बड़ी खबर यूपी के आज से और अनलॉक होने की है, जहां जिम मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल के अलावा स्टेडियम भी खुल गए हैं। तो ये 4 बड़ी और अहम खबरें, इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, आपको रूबरू करवाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने हैं सुखबीर सिंह संधु। शासन की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। 1988 बैच के IAS अफसर हैं सुखबीर सिंह संधु। अभी तक NHAI के चेयरमैन थे और इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी, और अब शासनादेश जारी हो गया है। नए मुख्य सचिव का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे सुखबीर सिंह संधु। शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। 1988 बैच के IAS अफसर हैं सुखबीर सिंह संधु। तो शासन की तरफ से आदेश जारी हो गया है नए मुख्य सचिव का। SS सिंधु अब नए मुख्य सचिव होंगे। अभी तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे उत्तराखंड कैडर से और NHAI के चेयरमैन रहे, लेकिन अब उन्हें उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन की तरफ से आदेश जारी हो गया है। 1988 बैच के IAS अफसर हैं सुखबीर सिंह संधु। तो मूल रूप से उत्तराखंड कैडर के अफसर हैं, प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में काम कर रहे थे, NHAI का चेयरमैन उन्हें बनाया गया था, और उनके अनुभव को देखते हुए, कामकाज को, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए नए मुख्यमंत्री की तरफ से SS संधु को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार में कई अहम पदों पर वो रह चुके हैं। 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं सुखबीर सिंह संधु, और NHAI के चेयरमैन की जिम्मेदारी अभी तक निभा रहे थे। 2019 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। मूल रूप से उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। और ये देखिए शासनादेश, जो आदेश आया है शासन की तरफ से, वो पत्र हम आपको दिखा रहे थे जिसमें SS संधु को मुख्य सचिव बनाने की बात कही गई है। तो कल सत्ता परिवर्तन और आज मुख्य सचिव का परिवर्तन। कल पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। और पहला जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है मुख्य सचिव का बदलाव। अब ओम प्रकाश की जगह SS संधु मुख्य सचिव होंगे उत्तराखंड के। तो तेजी के साथ बदलाव आए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के पास वक्त कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन की उम्मीदें दिख रही हैं क्या? और पहला परिवर्तन जो हुआ वो मुख्य सचिव जो संधु साहब हैं, क्या इनका रिकॉर्ड रहा है और किस तरीके के अफसर माने जाते हैं? अवधेश, देखिए ये उन गिने चुने अधिकारियों में से हैं जो डिलीवरी देने में सक्षम माने जाते हैं, जो बहुत कड़क मिजाज अफसर हैं, जो जिनके पास प्रशासनिक अनुभव बहुत व्यापक पैमाने पर है, और जो जिनकी छवि भी बहुत साफ सुथरी है। और मैं आपको ये बता दूं कि 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS ऑफिसर हैं, और एक खास बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर के भरोसेमंद लोगों में से हैं, जो भरोसेमंद अफसर हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो उनमें से उनमें इनको गिना जाता है। इसीलिए NHAI की जैसी बड़ी जिम्मेदारी सुखबीर सिंह संधु को एक करीब 1.5 साल पहले दी गई थी। इसके अलावा अवधेश, यहाँ उत्तराखंड में हमने मुख्य सचिव की ऐसी नियुक्ति पहली बार देखी है कि सुखबीर सिंह संधु, आज ही उनके लिए लेटर जाता है अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार को, और उसके बाद वो रिलीव हो जाते हैं। अभी वो रास्ते में हैं और उनकी मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया गया है। यानी अभी कैडर में उन्होंने ज्वाइनिंग भी नहीं दी है, वो अपने मूल कैडर में भी नहीं पहुंचे हैं, वो रास्ते में हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं। अभी जैसा ABP गंगा से उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर बताया था कि वो मेरठ क्रॉस कर गए हैं, तो देहरादून के रास्ते में हैं, आ ही रहे हैं।
तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अफसर के ज्वाइनिंग करने से पहले, उत्तराखंड आने से पहले मुख्य सचिव की नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया गया हो। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक प्रभाव रिफ्लेक्ट करता है, एक प्रभाव दिखाता है कि जो पिछले दिनों जो सत्ता परिवर्तन के जो कई एक घटनाक्रम हुए हैं तो उसमें ये देख लिया गया कि हर बार फेरबदल करने के बाद, परिवर्तन करने के बाद कुछ मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। तो जब पीएमओ लेवल पर या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी के लेवल पर ये देखा गया कि बिल्कुल तो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं ताकि परिवर्तन का असर भी जमीन पर दिखाई दे। शुक्रिया अजीत जी आपका। अखिलेश सरकार के समय गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी 8 आरोपियों के ठिकाने पर की गई, जिसमें तत्कालीन चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव भी शामिल रहे। उनके लखनऊ समेत तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने लखनऊ के गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत कई जगहों पर छापा मारा। वहीं गाजियाबाद और नोएडा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के 16 तत्कालीन अफसरों और 173 ठेकेदारों पर FIR दर्ज किया गया है। तो गोमती रिवरफ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। 8 आरोपियों के ठिकाने पर सीबीआई ने छापेमारी की और सियासी तौर पर भी आज हलचल इस छापेमारी की वजह से बढ़ी हुई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ समेत 6 शहरों की तस्वीरें जहां सीबीआई ने छापेमारी की। चीफ इंजीनियर रूप सिंह यादव के ठिकानों पर छापा मारा गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में शिवालिक टावर के 505 नंबर फ्लैट पर छापा मारा गया। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 29 और ग्रेटर नोएडा की NRI सिटी में भी सीबीआई ने छापा मारा। आगरा में अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर नितिन गुप्ता के घर भी सीबीआई ने रेड मारी। इसके अलावा अलीगढ़ और इटावा में भी छापा मारा गया। यहां ठेकेदार पुनीत अग्रवाल के घर को सील किया गया है। तो देखिए ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, आगरा, अलीगढ़ और इटावा। गोमती रिवरफ्रंट अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसके बाद योगी सरकार ने इस योजना में घोटाले पर जांच का आदेश दिया था। 1513 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर बिना काम किए ही 1437 करोड़ दिए गए। ये 95% राशि थी जो पहले ही जारी कर दी गई। दरअसल पहले से ही डिफॉल्टर कंपनी गैमन इंडिया को ठेका दिया गया था, जिसके बाद योगी सरकार ने जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में समिति गठित की। समिति ने 16 मई 2017 को अपनी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया निमित्ताओं का संकेत दिया था, जिसके बाद 19 जून 2017 को पुलिस ने और फिर 24 नवंबर 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। मई 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया था। तो योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो जो पहला एक्शन था भ्रष्टाचार के खिलाफ वो यही था। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई की छापेमारी पर यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि सपा चोरी करके सीनाजोरी कर रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में बने गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के सीबीआई की जांच जारी है और इस जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। छापेमारी भी चल रही है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, रिवर फ्रंट को लेकर के छापेमारी हो रही है 40 अलग अलग जगहों पर, कितना बड़ा घोटाला है सर, और इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। नहीं देखिए, कोई इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार अपनी होती है, जो करने वाले होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये कोई राज्य सरकार की एजेंसी नहीं है जो हम उसकी रफ्तार को नापें। तो ये जो कहना है ये गलत है। पहले तो आप चोरी करते हो, फिर सीना चोरी कर रहे हो। और ये जो गोमती रिवर फ्रंट का जो घोटाला है, ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, और ये चीख चीख के चिल्ला रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितना बड़ा घोटाला और लोगों का किस प्रकार से पैसा जो है इन्होंने लूटा है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहा है, दबाव बनाने की रणनीति है, और इसलिए सरकार जानबूझकर सीबीआई का उपयोग कर रही है और वो यहाँ पे छापेमारी कर रही है। ये जो उनका है, वही तो मैंने कहा कि भाई एक दफे आप चोरी भी कर रहे हो और फिर सीना चोरी कर रहे हो। अरे हमने तो किया नहीं कुछ है, चुनाव आ गया है। अरे रफ्तार कोई एजेंसी के हम थोड़ी नाप रहे हैं, तो आप पे उस पर उनके ऊपर तो उनका कंट्रोल है और वो कर रही है, और कहीं आ रहा है तो टाइमिंग क्यों लिया है। हर चीज में जो विपक्ष है और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, या तो टाइमिंग लाते हैं अपनी चोरी के ऊपर,
या जब कार्रवाई होती है जिस प्रकार से धर्मांतरण पे हो रही है तो फिर चुनाव हो जाता है। मतलब सांप्रदायिकता आपका एजेंडा है और भ्रष्टाचार भी आपका एजेंडा है। सर, चूंकि जो अभी FIRs हुई हैं 16 इंजीनियर्स और 173 ठेकेदार हैं, तो क्या ये अधिकारी और ठेकेदार तक ही सीमित रह जाएगा या उस सरकार में 2012 से 17 के दौरान जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो भी इसकी श्रेणी में आ रहे हैं, कहीं कुछ इस तरह की गुंजाइश? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कौन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि CBI एक ऑटोनमस बॉडी है। मगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ये स्वाभाविक है कि जो कहावत है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि बक स्टॉप्स वेयर डज द बक स्टॉप, तो ये अकाउंटेबिलिटी तो कहीं होगी ना, जिम्मेदारी तो तय होगी। अब किसकी कलम से वो फाइनल जिम्मेदारी तय हुई है, साइन हुआ है, उस पर जिम्मेदारी तय होगी, ये मगर CBI को देखना। RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर सियासत गरमा गई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोगों का DNA एक है। बसपा प्रमुख मायावती ने RSS और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोगों का DNA एक होने के बाद किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरने वाली। मायावती ने कहा कि RSS और BJP एंड कंपनी के लोगों और इनकी सरकारों की कथनी और करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही मायावती ने कहा कि RSS के सहयोग और समर्थन के बिना BJP का अस्तित्व कुछ भी नहीं। तो मोहन भागवत के बयान पर मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि BJP RSS के एजेंडे पर चलती है और RSS के बिना BJP कुछ भी नहीं है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। दरअसल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हमारा DNA एक है, जिस पर मायावती ने पलटवार किया। मायावती ने कहा कि संघ की कथनी और करनी में फर्क है। RSS प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का DNA एक होने व भीड़ हिंसा हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि RSS व BJP एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। साथ ही RSS प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं ये ठीक नहीं है, जबकि सच्चाई तो ये है कि खासकर जिस BJP व उनकी सरकारों को वे लोग जनहित व देश हित की खास परवाह किए बिना आंख बंद करके समर्थन देते चले आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ जातिवाद, राजनीतिक द्वेष, सांप्रदायिक हिंसा आदि का जहर सामान्य जनजीवन को त्रस्त किए हुए है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी सर्वविदित है। हाँ, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो रहा है, सबको यही कहा उसने, फिर से ये कंफ्यूज हो गए सही किसका है। हंसकर उसने कहा कि देखो भाई, तुम अपनी अपनी भावना से जिसकी पूजा करते हो वो एक अंश है, वास्तव में जिस पूर्ण के ये अंग है इनके द्वारा तुमको उसको देखना चाहिए। उसको नहीं देखते इसे दूसरों की पूजा को लेकर तुम भ्रम में पड़ जाते। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है और ये हमारे मातृभूमि के कारण है, वो पहला आधार है और ये परंपरा दूसरा आधार है और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है, 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का DNA, सब लोगों का निरपवाह DNA समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपने मन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं, और संघ पहले से ऐसा मानता है।
राफेल खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में मायावती का बयान आया है कि केंद्र सरकार राफेल विवाद का जन संतोष के मुताबिक निपटारा करे। फ्रांस सरकार ने जांच की तो केंद्र भी उचित संज्ञान ले। तो राफेल मामले को लेकर भी मायावती ने सियासी वार किया है और उन्होंने कहा कि फ्रांस सरकार ने जांच की तो केंद्र भी उचित संज्ञान ले और जन संतोष के मुताबिक निपटारा किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया कि फ्रांस की सरकार द्वारा बैठाई गई न्यायिक जांच की खबर देश दुनिया में बड़ी सुर्खियों में आने से मामला फिर से ताजा होकर जन चर्चाओं में आ गया है। केंद्र की सरकार भी इसकी जांच इसका उचित संज्ञान ले तो बेहतर। और आगे भी उन्होंने ट्वीट किया है और आगे लिखा उन्होंने कि वैसे रक्षा सौदों में कमीशन का आरोप प्रत्यारोप और इसकी जांच आदि होना यहां कोई नया नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के समय से ही पुराना ज्वलंत अध्याय है, किंतु केंद्र की वर्तमान सरकार राफेल विवाद को जनसंतोष के मुताबिक निपटारा करके इस मुद्दे को विराम दे, ये उचित है, ऐसा बीएसपी का मानना है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा कि जस्टिस और ह्यूमैनिटी यही हमारी राजनीति का आधार है। उन्होंने सच कहा। वैसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। और अब बात संजय निषाद की। एक बार फिर से उन्होंने डिप्टी सीएम का राग अलाप दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए, अगर वो नहीं बनाएगी तो गच्चा खा जाएगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी गच्चा खा चुकी है। तो संजय निषाद निषाद पार्टी के मुखिया हैं और डिप्टी सीएम बनने की जो उनकी लालसा है इस वक्त चरम पर है। रह रहकर जिलेवार मंचवार अपनी इच्छा वो जाहिर करते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि इनको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया जाए वरना बीजेपी बंगाल की तरह चुनाव में गच्चा खा जाएगी। समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झगुआ फगुआ वर लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएंगे। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता नुकसान है तो गच्चा न खाना है जैसे अभी बंगाल में खाए। तो आपने सुना कि कैसे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की। अब आपको 1 जुलाई का संजय निषाद का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो खुद को डिप्टी सीएम घोषित करने की बीजेपी को सलाह देते दिखाई दे रहे थे और किस तरह से निषाद की सलाह अब मांग में बदलती दिख रही है, देखिए। का चेहरा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री का लगा के अगर सरकार बनाते हैं तो 18% वोट निषादों का है ऑन रिकॉर्ड 1931 की जनगणना आपके नेट पर, तो इतना मछुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ धीमर रखवार में बटा खान डॉक्टर साहब आप जोड़ लिए हो तो आपको एक सलाह दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि 2022 का डॉक्टर संजय का चेहरा जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उनका चेहरा अगर उप मुख्यमंत्री का लगा दिया जाए तो बहुत आसानी से चुनाव जी अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आएगा तो घोषित करेंगे चेहरा। समाज के लोगों की मांग है भाई, कम संख्या झगुआ फगुआ वर लोग अगर मुख्यमंत्री है तो हमारे को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, हमारा चेहरा लगा ले तो जल्दी से आसानी से कम वोट वाले चेहरा दे रहे हैं, ज़्यादा वोट वाले को दे देंगे तो जल्दी से जीत जाएंगे। हम मित्र हैं ना, मित्र तो सुख दुख में साथ आता है, इसमें दुख है चौथे नंबर पर है, जल्दी से जीत जाएंगे। अगर निश्चित रूप अगर उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे, लगता नुकसान है तो गच्चा न खाना है जैसे अभी बंगाल में खाए। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते किया जाएगा। खबर मिल रही है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल कर एनडीए की कुनबा बढ़ाने की तैयारी है। तो देखिए कहां से कितने मंत्री हो सकते हैं। यूपी से संभावना है कि 3 से 5 मंत्री हो सकते हैं, बिहार से 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं,
मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां के कोटे से भी एक या दो मंत्री बन सकते हैं, महाराष्ट्र से भी एक या दो मंत्री बनाए जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है, लद्दाख से भी सांसद जो हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है, राजस्थान से भी कोटे में एक मंत्री को जगह मिल सकती है, असम से भी एक या दो मंत्री बनाए जा सकते हैं, पश्चिम बंगाल से भी एक दो नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ओडिशा से एक नेता को, एक सांसद को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश का कोटा सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है और प्रमुख चेहरे जो हैं, तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मौका मिल सकता है। पहला तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने परसों इस्तीफा दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से। सर्वानंद सोनोवाल जो कि एक टर्म पूरा कर चुके हैं, इस बार हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया असम का। और पूर्व सीएम महाराष्ट्र के नारायण राणे हैं, उनको भी सीएम बना, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और चलिए बात करते हैं बलिया की। बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिवार को गाली और अभद्रता करने के मामले पर आज परिवार का दर्द झलका। एबीपी गंगा की टीम ने जब मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिवार से बात की तो परिवार भावुक हो गया। परिवार वालों ने दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा से पीड़ित परिवार ने क्या बात की, क्या दर्द सुनाया, सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम 90 बरस के बनी उल्टा सीधे बात क्यों करना बोल रही है। हमारे उनके शर्म नहीं खेला को जन जानकारी दिल बड़े से उनके लाज नहीं खेला को तो हमारे 90 साल के हमारे नातिन के हमारे पुतो के भरल बड़े से उनके माँ बेटी नहीं खे वहीं के माँ बेटी नहीं खे वहीं के कौन बुद्धि बा ये बुद्धि बा वहीं के तो जेल में वहीं के तो फांसी के सजाई हो जाए के चाहिए जौन भाषा बोल बड़े सके हमारे काट करके धैले बनी मोबाइल पर ले जाके उनके देखा देते उनके मुड़ी धरती में गड़ा जाए। हाँ हमारा बेटा के करने हमारे गति हमारे मेरे पतोही के गति हमारे बेटी के गति होता। हमारे बेटा का दस कर ले बा के नहीं के चुनाव लड़त हमारे बेटा लड़ल बा तो मैं तो हमारे लड़का के दोस्त कौन बा सब तो लड़ते बा अपने अपने गति लोग माई बहन नहीं ही बहुत हताश है, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। बड़ी बेटी तो इतनी सहमी हुई है कि वो आने तक को भी तैयार नहीं है। बच्चे बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डर गए हैं। कल से परसों से न्यूज़ चल रही है और बच्चे देख देख करके न्यूज़ एकदम परेशान हो गए हैं। बच्चों से कृपया कुछ ना पूछा जाए। योगी यादव की भी दो बेटियां हैं, मेरे ही बेटियों के स्कूल में पढ़ती हैं, उनकी दोनों बेटियां मेरी दोनों बेटियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। कृपया वो इतना तो ध्यान रखे, अपने बच्चों के जगह मेरे बच्चों को रख करके एक बार सोचे इस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो खुद सोचे। मैं वही गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए। सीएम के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, तो गोरखनाथ मठ में ये जनता दरबार लगाया गया और मुख्यमंत्री ने फरियादियों से मुलाकात की और निर्देश दिया कि दिक्कतों को दूर किया जाए। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मुलाकात की। बेसिक शिक्षा मंत्री से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद हम कुछ कहेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से 4 दिन का समय मांगा है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी कई दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बार बार 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग अलग अलग समय पर लगातार हमसे भी कई बार बात करते रहे हैं, हमारे अधिकारियों से भी बात करते रहे हैं, लेकिन जब वो मीडिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। आज हमारे आवास पर सुबह उन्होंने धरना दिया था, इसलिए मैंने उनको आमंत्रण दिया कि आप 12 बजे हमारे कार्यालय में आइए, आप जो कहना चाह रहे हैं हम आपकी बात सुनेंगे। आज फिर ये लोग मिलना चाहते थे तो हमने आमंत्रित किया था, उनसे बात हुई है। पहली बात वो कहते हैं कि आरक्षण का अनुपालन नहीं हुआ है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हुई है, NIC के द्वारा ऑनलाइन हुई है।